ये बहुत अच्छी एक लाइन है, टू बी सक्सेसफुल इन प्राइवेट लेबलिंग डोंट जस्ट सेल प्रोडक्ट्स दैट आर चीपर, सेल प्रोडक्ट्स दैट फुलफिल आर नीड। प्राइवेट लेबल का ये मतलब नहीं है कि आप सस्ते प्रोडक्ट्स बेचो, चीपर वन बेचो, नहीं, सेल प्रोडक्ट्स दैट फुलफिल आर नीड, जो कि एक जरूरत पूरी करिए, जो कि डिमांड है मार्केट में। राइट अच्छा, हाउ प्राइवेट लेबल वर्क्स। राइट, अब इन स्टार्ट में बेसिकली मैंने यहाँ बताया था, लेकिन यहाँ दोबारा मैं एक चीज ऐड करके इसको थोड़ा सा सम अप करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इसको देखें, इस मैप को देखें। रेजर एक मैन शेविंग ब्लेड है जो के वॉलमार्ट पे सेल हो रहा है 4.79 डॉलर्स का। वॉलमार्ट एक सस्ती है, सेल हो रहा है 4.79 डॉलर का। और इसी तरह एक टारगेट मार्केट प्लेस है जिसपे सेल हो रहा है 4.99 डॉलर्स। अब क्यों इतना गैप आ रहा है, देखें, वॉलमार्ट बेसिकली एक होलसेल है और टारगेट हमें काफी सारी ना सर्विसेज देता है, जिसमें कन्वीनियंस है, सर्विसेज दे रहा है, ब्रांड रॉयल्टी दे रहा है कि अगर इस ब्रांड का तो इसी ब्रांड का ही होगा आपको। थोड़ा सा इसको मैं और क्लोजअप, थोड़ा सा और इसको ना डिटेल में करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, या अगर मैं टारगेट की जगह अमेजोन कर दूँ, टारगेट की जगह मैं अमेजोन कर दूं, तो अमेजोन हमें सर्विसेज दे रहा है, अमेजोन हमें FBA की भी सर्विसेज दे रहा है, डिलीवरी भी खुद कर रहा है, हैंडलिंग भी खुद संभाल रहा है, बस हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है। तो अगर उसको मेंटेन कर लेंगे तो एग्जैक्टली हमारा प्राइवेट लेबल बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। हमारे पास सर्विस भी है, हम ब्रांड रॉयल भी है, हम कोई भी क्वालिटी में इशू नहीं ला रहे, हम हर लिहाज से कन्वीनियंस भी है, ABC, हर चीज से ना हम परफेक्ट जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्राइवेट लेबल वर्क, कि प्राइवेट लेबल किस तरह वर्क करता है। कम प्राइस आपको हर जगह मिल जाएगी, वॉलमार्ट के अलावा काफी सारी जगह है, बट वो कोई क्वालिटी कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा। बट कुछ जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेसेस हैं, जिस तरह अमेजोन बेसिकली हम जिस पे मोस्टली सेल करते हैं प्राइवेट लेबल। बट इस वीडियो में सिर्फ आपको कंसेप्ट देना है कि व्हाट इज प्राइवेट लेबल, हाउ इट वर्क्स, वे टू सोर्स प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू पब्लिश द प्रोडक्ट्स। वो बाकी सारी जो भी प्रोडक्ट्स के क्राइटेरियाज हैं वो आपको मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप में भी काफी सारे यहाँ फाइल्स मिल जाएं क्राइटेरियाज, हर मार्केट प्लेस का अपना अपना क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये बेसिकली एक हाउ टू क्रिएट प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, एक पूरा का पूरा इसमें मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ है। आई थिंक सो कि इसमें काफी सारी चीजें ना क्लियर कर लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, फिर एक बार इसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। पहला स्टेज रिसर्च। रिसर्च हमें बहुत जरूरी है प्राइवेट लेबल में, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढने में जिसकी सेल्स अच्छी हो, वो उस पर रिसर्च बहुत जरूरी है। रिसर्च, फाइंड अ प्रोडक्ट्स दैट्स इन डिमांड एंड हैज सम कंपटीशन, मींस देखें जिसकी डिमांड होगी एग्जैक्टली हम वही सेल करेंगे, और जो वो चीज सेल हो रही होगी उसका कंपटीशन भी होगा। हम उसी के साथ साथ Amazon, eBay, Etsy, Walmart और ये सारी चीजों पे देख लेंगे कि कितना कितना सेल हो रहा है, उसका गूगल ट्रेंड भी देख लेंगे लास्ट 5 ईयर्स का। वो बेसिकली अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, वो आपको मिल जाएंगे हमारी फाइल्स में जाके enablers.org ग्रुप में, काफी सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ एक ये रोड मैप है बेसिकली प्राइवेट लेबल का। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, सॉल्व अ प्रॉब्लम, गो टू Amazon एंड लुक फॉर अ प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू सेल। ठीक है, हम अमेजोन पे गए, प्रोडक्ट को देख लिया जो सेल कर सकते हैं, रीड द रिव्यूज, उसके रिव्यूज पढ़े कैसे हैं कैसे नहीं है, लुक फॉर द कस्टमर कंप्लेन्स एंड फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुक फॉर कस्टमर कंप्लेन्स एंड फीडबैक, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज आपको इम्प्रूव करनी है। आई थिंक सो यहाँ बताया था कि कौन सी चीज इम्प्रूव करनी है, आर देयर अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स, राइट? नाउ यू नाउ वट टू सॉल्व। अब आपको पता चल गया कि कौन सी चीजें आपने सॉल्व करनी है, सिंपली सोर्स करेंगे अलीबाबा से, जो हमने डिस्कस किया है कि किस तरह हमने अलीबाबा से सप्लायर ढूंढना है, और सिंपली अमेजोन ई बे या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको सेल करेंगे। अब थोड़ा सा हम इस पर रिसर्च करते हैं।
पहले हम ना रिसर्च करते हैं, राइट। मैं अमेजोन डॉट सी ओ डॉट यू के मार्केट प्लेस में आ जाता हूँ। अपना कोई भी, हम ऑल पे आए या कहीं भी आ जाए, कोई भी एक प्रोडक्ट देख लें आप। लेट्स सपोज मैं रिस्टवॉच की ही बात कर लेते हैं। देखें, मैंने रिस्ट वॉच बेसिकली सर्च की है, तो एक सेकेंड रिस्ट वॉच। वॉच, ठीक है। अब बेसिकली ये ASWE स्मार्ट वॉच है, ये भी एक वॉच है, ये भी एक वॉच है, ये भी वॉच, ये सारी बेसिकली वॉचेस ही आएंगी। अब बेसिकली हमें देखना क्या है, थोड़े से अपने पॉइंट्स रिमाइंड करें जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है, जिसकी सेल ज्यादा होती है, उसको हम पकड़ते हैं, उसकी कॉपी करवाते हैं, अपना लोगो पुट करवाते हैं और सेल कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, ये ब्लैक व्यू एक ब्रांड है जो कि एप्पल वॉच को सेल कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट देखें डायलर उसका सेम है, स्ट्रैप्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सारी चीजें उसकी सेम है। तो ये एक बेसिकली इसने देखा कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इसको हम ले लेते हैं और इसको फर्दर इसको सेल करते हैं, क्योंकि सेल्स अच्छी होंगी, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सारी चीजें आ रही हैं। तो इसको उन्होंने पकड़ा, सप्लायर ढूंढा और इसको स्टॉक बेच के सेल कर दिया। इसी तरह ये भी, इसकी भी काफी सारी हमें चीजें मिल जाएंगी, सेम टू सेम चीजें। देखें, वी कैन से दैट ये ASW इसके वॉच का देख रहे हैं और ऑलमोस्ट ये वाली जो वॉच है सेम सेम है, ये भी सेम है, ये देखें ब्रांड चेंज है। सी इसको देखें दोबारा, इस वॉच को लाइट बी को, ये वाली, और ऊपर देखें इस वाली को, सेम है। दे जस्ट सम रिसर्च, सम चेंजिंग ऑफ कलर्स, राइट, लाइक दिस। और इसको हम बेसिकली देख लेते हैं। अब हमने फाइनलाइज अगर कर लिया कि हमने इसी प्रोडक्ट पे जाना है, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, रिसर्च होगी हमारी। अच्छा, रिसर्च में हमने थोड़ी सी चीजें देख ली नहीं, हमारे पास कुछ टूल्स हैं, हीलियम टेल है, लेकिन वो बेसिकली आप सारी चीजें खुद देख लीजिएगा, आपको सिर्फ हमने कंसेप्ट देना है राइट नाउ ना। हम गूगल ट्रेंड में आ जाते हैं, हम ट्रेंड्स खोलते हैं, इसका मेन कीवर्ड हमने थोड़ा सा बेसिकली सिर्फ ट्रेंड ले रहे हैं, बाकी मार्केट प्लेस सर्च करना वो आप खुद देख लें। हम इसकी वॉच पे आते हैं, मार्केट प्लेस देख लीजिएगा। सी अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट सर्च दैट वर्ड, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है, वॉच एक अच्छा है। हमारी कुछ क्लियर हो गया, कंपटीशन भी है, गोल्ड ड्रेस भी देख लिया, अमेजोन ई बी सब पे सेल हो रहा है। अब अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है कि किस तरह हमने देखना है।